Hello guys, welcome to our channel The Undulator. Guys, in this video we are going to talk about 26th October 2019 IELTS listening answers. तो guys means जो आज का exam रहा और उसके listening के answers क्या है, हम इस video के ऊपर सारी की सारी बात करेंगे. और guys मैं बताना चाहूँगा, ये जो listening के answer है हमारे one of the subscribers ने हमें send करे हैं. तो first of all thanks to them जिन्होंने अपने अपने answer हमें share करे. because guys अगर आपका IELTS का exam होता है और आप अपने answer हमारे साथ share करते हो तो हम अपने दूसरे subscribers के साथ वो answer share कर पाते हैं. because as a initiator guys मेरे पास बहुत से काम होते हैं जब मैं ड्यूटी दे रहा हूँ होता हूँ, तो दैट टाइम गाइस लिसनिंग और रीडिंग के आंसर याद रखना डिफ़िकल्ट होता है और जो ऑफिशियल आंसर्स हैं मैं आपको बता नहीं सकता होता दैट टाइम. लेकिन अगर जब आप मेरे पास अपने आंसर शेयर करते हो तो मैं देन वो आगे शेयर कर सकता हूँ एज ए ऑफिशियल. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिसनिंग के आंसर्स की ओर जो हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने हमें सेंड करे हैं. तो गाइस तो ये हमारे सब पास सारे के सारे ब्लैंक्स हैं गाइज. दिस टाइम ब्लैंक्स जो है हमारे पास, मैंने आपको पहले ही कहा था गाइज, आपको अगर नहीं पता हो तो हमारी ना एक वेबसाइट है जिसपे सबसे पहले लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स अपडेट होते हैं. तो गाइज वहीं पे हमारे रीडिंग और लिसनिंग के आंसर अपडेट होते हैं. सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो. और भाई गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिसनिंग के इस बार आंसर है वो थोड़े से ऊपर नीचे मतलब पैटर्न से अलग है, लेकिन जितने भी ये आंसर है गाइस सही है. मींस जिनका आज एग्ज़ाम हुआ वो यहाँ से मैच कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता लग जाएगा कि आइडिया कि उन्होंने क्या क्या आंसर लिखे हैं. तो भाई फर्स्ट आंसर इज विलेज, सेकंड इज 24th अगस्त, सेकंड इज थर्ड इज स्टोन्स, फोर्थ इज वाइज, फिफ्थ इज 10,000 BC, फिफ्थ इज एरोज, नेक्स्ट इज ब्रिजलेन, आफ्टर दैट फॉक्स, नेक्स्ट पेट्रोल, then supply, then petroleum, then expensive, after that guys nuts, then population, then marriage, then spares, and after that guys जो blanks हैं वो इस तरह हैं, environmental, engine, then production, then forest, then library, after that guys boundaries. और गई ये सारे के सारे blanks हैं जो आज लिसनिंग में आई. और गई ये सारे के सारे एक्यूरेट हैं एकदम, मतलब आपके अगर सब तुम लोगों ने ये बैंड जो भी लिखे हैं लिसनिंग के आंसर अपने ब्लैंक्स में लिखे हैं तो गई ये सारे के सारे सही हैं. और गई मैं बताना चाहूँगा 11th एक MCQ था और 12th भी MCQ है, जिसके ऊपर मैंने बता दिया था आपको कि 11th वॉज ए MCQ एंड आफ्टर दैट गई 12th वॉज बी एंड 13th वॉज ऑल्सो बी. तो गई ये सम MCQ और प्रॉपर जल्दी से जल्दी गाइज सीक्वेंस वाइज लिसनिंग के आंसर जल्दी ही आपको मिल जाएंगे. एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल द इंजुलेटर. एंड वन मोर थिंग गाइज, रीडिंग के आंसर विद इन कुछ मिनटों में अपलोड होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को जिसका नाम है द इंजुलेटर. एंड ऑल्सो गाइज हिट द बेल आइकन, बिकॉज वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड अगर डिस्क्रिप्शन में जाओ आपको हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक का हमारा ईमेल अकाउंट मिलेगा, आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें वहाँ पूछ सकते हो. और हमारी वेबसाइट का लिंक भी गाइज डिस्क्रिप्शन में है. तो ये है 26th October 2019 आज लिसनिंग आंसर. और गाइज सीक्वेंस वाइज रियल आंसर जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद इन कुछ मिनट और कुछ सेकंड में. तो गाइज उसके लिए सब्सक्राइब द चैनल द इंजुलेटर. रीडिंग आंसर विल कम सून विद इन फ्यू मिनट्स. थैंक यू वेरी मच.